स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्वीट होम में। आज की शख्सियत हैं नरेंद्र मोदी। आइए इनके जीवन परिचय को जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी का जीवन परिचय। नरेंद्र मोदी जी ऐसी शख्सियत हैं जो कि देश हो या विदेश सभी जगह प्रसिद्ध हैं। मोदी जी हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। सन 2014 और 2019 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर मोदी जी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। मानो पूरे देश में मोदी लहर सी आ गई है। अधिकतर भारतीय मोदी जी पर पूर्ण विश्वास रखते हैं कि वो उन्हें उज्जवल भविष्य देंगे। स्वतंत्रता के बाद ऐसी जीत हासिल करने वाले ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। परिचय बिंदु। परिचय। पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अन्य नाम मोदी जी या नमो। पेशा राजनेता, राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी। जन्म तिथि 17 सितंबर। उम्र है 68 साल। जन्म स्थान बड़नगर बॉम्बे स्टेट, वर्तमान में गुजरात भारत। राष्ट्र भारतीय। राष्ट्रीयता भारतीय। गृहनगर गुजरात। धर्म है हिंदू। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, आगे भी मैं बताता चल रहा हूँ आपको। जाति है मूध घाची ओबीसी। ब्लड ग्रुप ए प्लस। पता है 7 रेस कोर्स रोड नई दिल्ली। वैवाहिक स्थिति विवाहित। शैक्षणिक योग्यता पॉलिटिकल साइंस एवं बीए एवं एमए। राशि कन्या। कद है 5 फुट 7 इंच। वजन 75 किलोग्राम। आँखों का रंग काला। बालों का रंग सफ़ेद। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वेतन 1,60,000 रुपये प्रति माह, साथ में अन्य भत्ते। मोदी जी का शुरुआती जीवन। नरेंद्र मोदी जी का जन्म गुजरात राज्य के मेहसाना जिले के एक छोटे टाउन बड़नगर में हुआ। जब इनका जन्म हुआ था तब यह बॉम्बे में था, किंतु अब वर्तमान में यह गुजरात में स्थित है। नरेंद्र मोदी जी के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इनके पिता एक सड़क व्यापारी थे, जिन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए काफ़ी संघर्ष किया था। किंतु मोदी जी की माता एक गृहिणी महिला हैं। मोदी जी ने बचपन में अपने परिवार का समर्थन करने के लिए अपने भाइयों के साथ रेलवे स्टेशन में और फिर बस टर्मिनल में चाय बेची। पिता का नाम स्वर्गीय श्री दामोदर दास मूलचंद मोदी। माता का नाम हीराबेन। भाइयों के नाम सोमा मोदी, अमृत मोदी, प्रहलाद मोदी, पंकज मोदी। बहन का नाम वसंती बेन हसमुख लाल मोदी। पत्नी का नाम जसोदा बेन चिमनलाल मोदी।
मोदी जी का परिवार मोदघांची तेली समुदाय से है, जो कि भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंध रखता है। नरेंद्र मोदी जी अपने माता पिता की तीसरी संतान हैं। मोदी जी के बड़े भाई सोमा मोदी की उम्र वर्तमान में 75 वर्ष है। वे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रह चुके हैं। इनके दूसरे बड़े भाई अमृत मोदी एक मशीन ऑपरेटर हैं, जिनकी उम्र 72 साल है। इसके बाद मोदी जी के दो छोटे भाई हैं, एक प्रहलाद मोदी जिनकी उम्र 62 साल है, वे अहमदाबाद में एक शॉप चलाते हैं, एवं दूसरे पंकज मोदी जो कि गांधीनगर में सूचना विभाग में एक क्लर्क के रूप में कार्यरत हैं। नरेंद्र मोदी जी की शुरुआती शिक्षा बड़े नगर के स्थानीय स्कूल से पूरी हुई। उन्होंने वहां सन 1967 तक अपनी हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसके बाद इनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और फिर इन्होंने पूरे भारत में भ्रमण कर विविध संस्कृतियों की खोज की। इसके लिए मोदी जी ने उत्तर भारत में स्थित ऋषिकेश एवं हिमालय जैसे स्थानों का दौरा किया। उत्तर पूर्व के हिस्सों में दौरा करने के 2 साल बाद वे भारत लौटे। इस तरह से मोदी जी ने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ साल तक अपनी आगे की पढ़ाई नहीं की। अपनी कॉलेज की पढ़ाई के बाद मोदी जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल होकर फुल टाइम प्रचारक के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, जो कि एक हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है, में शामिल होने के लिए अहमदाबाद में गए। सन 1975-77 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके कारण मोदी जी को उस समय अंडरग्राउंड होने के लिए मजबूर होना पड़ा एवं गिरफ्तारी से बचने के लिए वेश बदलकर यात्रा किया करते थे। सर्जिकल स्ट्राइक। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में उरी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना के साथ मिलकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का फैसला लिया। एयर स्ट्राइक। इसके बाद उन्होंने साल 2019 में फरवरी में हुए पुलवामा हमले के बाद देश के सभी सुरक्षा बलों को पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी प्रकार का एक्शन लेने के लिए खुली छूट दे दी, जो कि बहुत ही बड़ा ऐलान था। इसके बाद फरवरी में ही वायुसेना द्वारा एयर स्ट्राइक की गई थी। नरेंद्र मोदी जी विवाद एवं आलोचनाओं में। सन 2002 में हुए गुजरात दंगे मोदी जी के करियर का सबसे बड़ा विवाद था, जिसके तहत आलोचकों का कहना था कि मोदी जी इस दंगे को भड़काने के पीछे मास्टरमाइंड हैं। सन 2002 में तीस्ता सीतलवाड़ ने गुलबर्ग सोसाइटी में अपने पति की हत्या के लिए मोदी जी को जिम्मेदार ठहराया। नरेंद्र मोदी जी का नाम इसरत जहां के फेक एनकाउंटर के लिए भी आया था, उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। नरेंद्र मोदी जी के वैवाहिक स्थिति को लेकर भी आलोचकों द्वारा आलोचनाएं की गईं। खाने में पसंद। शाकाहारी पसंद। साहित्य में योग करने में एवं पढ़ने में। पसंदीदा राजनेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं अटल बिहारी वाजपेयी। नरेंद्र मोदी जी की रोचक जानकारी। बचपन में मोदी जी भारतीय आर्मी में शामिल होना चाहते थे। उन्होंने सैनिक स्कूल में शामिल होने के लिए कोशिश भी की, लेकिन वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से वे सैनिक स्कूल में दाखिला नहीं ले सके। 17 साल की उम्र में मोदी जी ने अपना घर छोड़ दिया था और वे भारत के अलग अलग हिस्सों में यात्रा करने गए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना आधिकारिक निवास अपने किसी भी परिवार के सदस्य के साथ साझा नहीं किया। बराक ओबामा के बाद नरेंद्र मोदी जी ट्विटर
पर दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा फॉलोअर वाले नेता हैं। इनके लगभग 12 मिलियन से भी अधिक फॉलोअर हैं। मोदी जी एवं बराक ओबामा दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। नरेंद्र मोदी जी सन 2010 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे, तब गुजरात दुनिया का दूसरा सबसे अच्छे राज्य के रूप में उभरा था। मोदी जी ने अपने 13 साल के गुजरात के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। नरेंद्र मोदी जी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक एवं इंस्टा पर सक्रिय हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।